Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, today we're going to see Van der Waal equation. We'll see why we're studying this Van der Waal equation and what's the purpose of it. But before going ahead, we should discuss the difference between the real gas and the ideal gas. So real gas means hakiki gas, the gas that actually exists in this universe. An ideal gas that do not exist in the universe, it's like imaginary gas that is, you know, applicable for few condition. We'll study that as well. So real gases do not follow gas laws at high pressure and low temperature. Okay, high pressure pe, bahut high pressure pe, bahut low pressure pe gases jo hain wo nahi hoti hain, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो दिस इज़ व्हाट गैस लॉस सेज, जो कि हमने सारे गैस लॉस पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तो वो एप्लीकेबल होते हैं आइडियल गैसेस पे. रियल गैसेस पे दे आर नॉट एप्लीकेबल. एंड द आइडियल गैसेस फॉलोज गैस लॉज ऑन एवरी कंडीशन. मतलब अगर वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल भी कर दो, बट इट इज़ सेड दैट मैटर कैन नॉट बी neither be created nor be destroyed. लेकिन आप वॉल्यूम को ख़त्म ही कर रहे हो, डिस्ट्रॉय ही कर रहे हो, तो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. तो तभी हमारे पास आइडियल गैस के अंदर आप वॉल्यूम को नेग्लिजिबल भी कर देते हो. एक ये भी रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे पास रियल गैसेस जो हैं वो गैसेस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं. देन वी हैव there is force of attraction and repulsion between the molecule of the gases. yes, gases ke andar kahan nahi hoti hai, molecule ke beech ke andar repulsion or attraction hoti hai, but in the ideal gas there is no repulsion and no attraction between the molecule of the gases. then we have the volume cannot be equal to zero, I previously mentioned, and their volume can be equal to zero. okay, then we have they follow van der Waal equation and they follow general gas equation, that is PV is equal to nRT. अब Van der Waal एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिस गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था. एंड दिस गैस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेज, नॉट फॉर रियल गैसेज. सो आई आस्क यू दैट वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इक्वेशन. Van der Waal इक्वेशन बेसिकली मॉडिफाइड द फॉर्म ऑफ PV is equal to nRT, the ideal gas equation. तो PV is equal to nRT, ये जो है ये does not follow the real gases. उसके लिए हमारे पास अलग है. तो let's study Van der Waal equation. Basically that is the modified form of ideal gas. आज हम एक केस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो make sure you are यहाँ तक करेंगे. yeah. So the gases, the volume of the gases molecule cannot be neglected, can no longer be neglected. सबसे पहले Van der Waal was a Dutch, the scientist that live in Netherland or Switzerland वाली side पर. तो he was a Dutch scientist and he stated that the volume of the gases molecule can no longer be neglected. मतलब volume जो होगा, जगह कितनी घेरता है gases का molecule, वो neglect नहीं किया जाएगा. हालांकि ideal gas यही कहती है कि निग्लेक्ट कर दिया जाता है, ज़ीरो हो किया जाता है, लेकिन Van der Waal ने कहा था ऐसा नहीं होता. दे हैव देयर ओन वॉल्यूम एज वेल. देन ही करेक्टेड व्हाट ही करेक्टेड बेसिकली टू थिंग्स. ही करेक्टेड द वॉल्यूम एंड द प्रेशर इन द आइडियल गैस इक्वेशन. पी वी एन आर टी के अंदर पी वी को उन्होंने करेक्ट किया था Van der Waal ने. एंड वील सी कि क्या कैसे हुआ था. अच्छा, Van der Waal इक्वेशन ओबे ऑल बाय रियल गैसेस. हर रियल गैस जो है वो Van der Waal इक्वेशन को फॉलो करती है, ना कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज बीइंग फॉलोड बाय द आइडियल गैस, नॉट द रियल गैस. ओके, फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू सी वॉल्यूम करेक्शन, कि वॉल्यूम के अंदर उन्होंने क्या करेक्ट किया था. पी वी इज इक्वल टू एन आर डी के अंदर उन्होंने क्या नई इक्वेशन बना के दी थी, न्यू इक्वेशन. ओके, वील रीड द थ्योरी फर्स्ट. व्हेन अ गैस इज कंप्रेस द मॉलिक्यूल आर पुश्ड सो क्लोज टुगेदर दैट रिपल्सिव फोर्स
स्टार्टेड बिटवीन देम. जब किसी गैस है, कोई गैस है, उसको हम बहुत ज़्यादा पुश कर दें, मतलब दबा दें, एक साइड से आप बलून पकड़े हो, दूसरे साइड से आप बलून पकड़े हो, यू आर प्रेसिंग इट एंड ऑल टुगेदर द मॉलिक्यूल बिकम सो नियर. ठीक है, ये एक लाइन समझ आ गई. इफ़ द प्रेशर इज़ फर्दर इंक्रीज इन इट, जब प्रेशर और बढ़ा देंगे उस बलून के अंदर, हम दबाना और शुरू कर देंगे, प्रेस करना, अपोज बाय मॉलिक्यूल देम सेल्फ, हम दबा रहे हैं, मतलब नेचुरली द गैस मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. हाँ, उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, नो डाउट वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द गैस वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, बट इट कैन नॉट बी नेग्लिजिबल. वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रेस करोगे तो उसके पास एक वॉल्यूम आ जाएगा. ऑफकोर्स वो कह रहा है भले ही छोटा है, बट इट कैन नॉट बी नेग्लिजिबल. आप एक बलून को पकड़ रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ऑफकोर्स उसके पास वॉल्यूम बचेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा बचेगा. उसको यहाँ यहाँ से भी प्रेस करो, यहाँ से भी प्रेस करो, तो एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम बचेगा. तो ये कह रहे हैं भले इतना सा भी वॉल्यूम हो, उसको निगलेक्ट हम नहीं करेंगे. ठीक है, ये फिर ये अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो दैट विल भी हमारे पास आइडियल गैस में चला जाएगा, लेकिन हमारे पास रियल गैस के अंदर ऐसा नहीं होता. वी डू नॉट निगलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल. ठीक है, यहाँ पे एक डेरिवेशन दी हुई है कि अब लाइक सी, यहाँ पे दिस इज़ द वेसल. ठीक है, एंड वेसल इज़ इक्वल टू वी गैस, मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है. ठीक है, अब इसको मैं इतना कंप्रेस कर रही हूँ कि ये इतना जो पार्ट है ना, इसको मैं बी कह रही हूँ, और ये इतना जो खाली पार्ट है ये वेसल है, मतलब ये भी वॉल्यूम है ऑफकोर्स, और ये वाला पार्ट भी इसका वॉल्यूम है. ये फ्री वॉल्यूम है ऊपर वाला, और ये जो नीचे है ये कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल है, कंप्रेस्ड वॉल्यूम है. तो हम देखते हैं, मतलब वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब ये वी जो है ये इतना, ये इसको छोड़ दें, ऊपर वाला जो है ये नीचे, ये वाला, ये अवेलेबल गैस मॉलिक्यूल जिसके अंदर और भी आ सकते हैं, और ये जो बी जो है, ये बी लिखा हुआ है, बी इतना है. ठीक है, बी जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, मतलब इसको हम और कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वेसल को फ्री, अच्छा अगर हमें पूरा वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो है, ये जो बी है इसको ऐड कर देंगे और फ्री वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास पूरा वेसल का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. लेकिन अगर हम फ्री वॉल्यूम को अगर हम ऐड करना चाहें तो हम वेसल माइनस बी कर देंगे, वेसल के वॉल्यूम को और बी से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फ्री वॉल्यूम भी आ जाएगा. नाउ लेट्स सी फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, जब हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे पर्टिकुलर, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, फ्री वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस एन बी, एन बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और बेसिकली जो एन बी है इसको हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर यूज़ करेंगे. ये इस तरह से पी वी की जगह पे हम वी माइनस एन बी कर देंगे. इसका मतलब है, इसका एन बी का मतलब है कि हम यहाँ पे रियल गैस के अंदर वॉल्यूम को हम निगलेक्ट नहीं कर रहे. देखें ना, अब बी है तो बी इतना हमने कंप्रेस कर लिया, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं. हालांकि आइडियल गैस इग्नोर कर देता है, बट वी आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि यही तो हमें रियल गैसेस के अंदर वॉल्यूम जो है वो निगलेक्टेबल नहीं होता है किसी गैस का. भाई इतना भी है मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई किया हुआ है ना. तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वंडरवॉल इक्वेशन. ठीक है, एंड प्रेशर करेक्शन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो.